आसान दिन चैनल को ज़रूर विज़िट और सब्सक्राइब करें लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इसमें आपको बहुत सारे मसाइल फ़दाइल वजाइफ और दीन की बेसिक और बुनियादी मालूम मिलेगी और आप जो सवाल भेजेंगे संडे कॉमेंट बॉक्स के नाम से हम उसको पिक करके आपके जवाब आपकी खिदमत में पहुँचाएँगे आप ज़रूर विज़िट करें व रहमतुल्लाहि व बरकातहू हमारे बहुत सारे भाई हमारी बहुत सारी बहनें जो एतकाफ़ में बैठी हुई हैं वो ये मसला मालूम कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब आज हमारा एतकाफ़ कम्प्लीट हो जाएगा तो हम एतकाफ़ से कैसे बाहर निकलें तो इस मसले को अच्छे तरीके से आप सभी हज़रात समझ लें कि जब आपका एतकाफ़ कम्प्लीट हो गया तो जो इबादत आपकी कम्प्लीट हो गई अब आप कहीं भी जा सकते हो सही है मिसाल के तौर पर आज आप लोगों का एतकाफ़ कम्प्लीट हो जाएगा जो लोग एतकाफ़ में बैठे हुए हैं उनका आज एतकाफ़ कम्प्लीट हो जाएगा जैसे ही चांद नज़र आएगा तो आपका एहतिकाफ कम्प्लीट हो जाएगा तो अब एहतकाफ़ आपका कम्प्लीट हो गया तो कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा तब आप एहतक से बाहर निकल सकोगे कुछ आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी जब आप एहतिकाफ से बाहर जा सकोगे क्योंकि लोग ये समझते हैं ना कि एहतक कम्प्लीट हो गया अरे कुछ करना नहीं पड़ेगा कुछ भी नहीं करना आपका एहतकाफ़ की टाइमिंग जब पूरी हो गई अब अब आप नॉर्मल अब आपके लिए कहीं भी बाहर जाना आना जायज है नो no प्रॉब्लम आप एहतिकाफ की जगह से आप बाहर जा सकते हो कोई मसला नहीं है तो आज जब चांद दिखेगा मान लीजिए आपको खबर मिल गई चांद हो गए वैसे तो आज चांद हो ही जाएगा ना लेकिन जैसे ही चांद हो जाएगा मगरब का टाइम शुरू हो जाएगा चांद हो जाएगा तो अब आपका एहतकाफ़ कम्प्लीट हो गया अब आप बेहतर ये है कि मगरब की नमाज़ भी वहीं पढ़ लो ठीक है एहतिकाफ की जगह पर ही मगरब की नमाज़ पढ़ लो और मगरब की नमाज पढ़ने के बाद अब आप कहीं भी जा सकते हो कुछ भी अलग से कोई दुआ कोई अलग से नमाज या कुछ ख़ास पढ़ने का या कोई तरीका हो एहतिक से बाहर निकलने का ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है सिंपल है जब आपका एहतक कंप्लीट हो गया चांद हो गया आप मगरिब की नमाज़ पढ़िए अपनी एहतिकाफ की जगह पर और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद अब आपकी इबादत जो एहतकाब वाली इबादत थी वो पूरी हो गई और जब एहतिकाफ वाली इबादत पूरी हो गई अब आपके लिए की जगह से कहीं भी बाहर जाना आना जायज़ है नो प्रॉब्लम तो कोई इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है मुझे उम्मीद है आपको ये मसला अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा इसको शेयर करें अलगम वरहि वरक